हेलो, वेलकेयर हॉस्पिटल, इमरजेंसी है क्या? एम्बुलेंस है, पता बताइए। पाली हिल, बंगलो नंबर 1, रॉकीनाथ। ये तो वही फेमस फैशन डिजाइनर है, रॉकीनाथ। ओके ओके, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। अरे वो मशहूर फैशन डिजाइनर रॉकीनाथ, वो बेहोश हो गया। ये पते पे एम्बुलेंस भेज। ठीक है, अभी भेजता। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूं। केक फाइटिंग प्लीज, ये केक खाने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। आई थिंक रॉकी इज राइट। सो फ्रेंड्स, रॉकी का बर्थडे कोई भी केक के पास नहीं रहेगा, सभी दूर रहेंगे केक से। रॉकी कहाँ है? वो तो अंदर है। क्यों? आप क्या चाहते हो? उसका बयान लेना। सॉरी इंस्पेक्टर, आप बयान नहीं ले पाएंगे। ही इज नो मोर। क्या? पागल हो गया? रॉकी दीपा? दीपा? पापा इसको बोलिए ना। दीपा? रॉकी इसको दीपा? डॉक्टर, हमें रॉकी की बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो। पोस्टमार्टम? ओके। पोस्टमार्टम क्यों? कानूनी कार्रवाई। वैसे आप सभी लोग पार्टी में मौजूद थे ना? मुझे आप सबका बयान चाहिए। आप सबको पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकिन सबसे पूछताछ करने का क्या मतलब है? मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। आप कौन? मेरा नाम सिद्धार्थ है, रॉकी का सेक्रेटरी, मतलब था। मिस्टर सेक्रेटरी, आपको क्या पता है क्या नहीं पता, ये पता करना पुलिस का काम है, और पता करने के लिए मुझे बहुत सारे रास्ते पता हैं। तो मेरा शक ठीक निकला, ये मर्डर है। हाँ सर, सर उसे जहर भी इंजेक्शन से दिया गया है, ये देखिए सर। सर 3 महीने पहले रॉकी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था,
उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जिसके चलते उसे रोज इंजेक्शन लेना पड़ता था। आपको अपने मंगेतर रॉकी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपका दिमाग खराब हो गया? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। जो भी कहना अदालत में कहना, चलिए। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। छोड़िए मुझे आप, छोड़िए, मैंने कहा। जाते हो तुम लोगों को, पहले झूठा केस चलाओगे फिर जेल में डालोगे। और वैसे भी मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता। Get out of my lab! Thank you, sir. Thank you so much. इसलिए? सर, अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। आपको पता है सर, मैं तो हमेशा से आपके जैसे लॉयर बनना चाहती थी। सर, तो यू आर माय रोल मॉडल सर। सॉरी सर। सर, मैंने दीपा पंडित का पूरा केस स्टडी कर लिया, जो लिखा था वो भी पढ़ लिया और जो नहीं लिखा था सर वो भी पढ़ लिया। आई एम श्योर सर, अब चुटकी बजाकर ये केस सॉल्व कर लेंगे। ये पहले आईएम जायसवाल के साथ काम करती थी क्या? जी सर, कौन? नहीं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आईएम जायसवाल है, वो भी इसी तरह की बातें करते रहते हैं। चुटकी में केस सॉल्व कर दूंगा, 10 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। कोई भी वकील 10 मिनट में हत्या का केस खत्म नहीं कर सकता। पर सर, मैंने आपको कोर्ट में देखा है सर, आपके विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। मैंने देखा है सर, केस कितना भी पेचीदा हो आप तो यूं ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो सुनैना, मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर जीवन में नाम कमाना है तो अपने काम से कमाओ, चापलूसी से नहीं। चलो, समय हो गया कोर्ट का। दीपा पंडित ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने मंगेतर मशहूर फैशन डिजाइनर राकेश नाथ उर्फ रॉकी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब इनको पता चला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो आईएम जायसवाल है, तो इनकी हालत होने लगी, दुखी हो गई और उनका दुख देखा नहीं गया पिताजी से। इसलिए भूषण पंडित ने खून के इल्जाम से इनको बचाने के लिए उनके दोस्त केडी पाठक को नियुक्त किया। हाय पाठक साहब। हाय पाठक साहब, दोनों साथ में ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप आज घर चले जाएंगे वापस से। 10 मिनट में मैं केस जीत जाऊंगा। योर ऑनर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। दवे जी, आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था फिर भी आप हॉस्पिटल गए थे, क्या ये बात सच है? जी हाँ। मतलब क्या आपको पता था कि रॉकी की जो डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं थी? मुझे थोड़ा शक था। क्यों, डाउट क्यों था? किसी ने बताया था आपको? खुद रॉकी ने। एक हफ्ते पहले वो मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन आया था। सर, मेरी बात का यकीन दीजिए, मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। हाँ, समझ क्यों नहीं रहे सर? आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, लीजिए पानी पीजिए। खुल के बताइए कि आपको क्यों लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है? सर, मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। हर रोज कोई मेरा पीछा कर रहा है, जहां भी मैं जाता हूँ साय की तरह मेरे पीछे आता है। इस पीछा करने वाले को आप पहचानते हैं? जी नहीं, क्योंकि जब भी मैं पलट कर देखता हूँ वो छुप जाता है। और आपको लगता है कि वो आपको मारना चाहता है? वो जो भी आदमी है उसका इरादा नेक नहीं है, मेरी जान को खतरा है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। फिर मुझे पता चला कि रॉकी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की वजह बता सकते हैं आप जज साहब? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रॉकी के खून में प्रोसिडीन नाम का जहर मिला था। यानी कि प्रोसिडीन जहर की वजह से रॉकी की मौत हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रॉकी की मौत का कारण ऑर्गन फेलियर है, जो शरीर में जहर फैलने की वजह से हो सकता है। और उनके खून में प्रोसिडीन का होना और शरीर पे इंजेक्शन का मार्क होना, ये दोनों बातें इस तरफ इशारा करती है कि रॉकी को
प्रोसीडिन का इंजेक्शन दिया गया। करेक्ट योर ऑनर, साबित होता है कि किसी ने इंजेक्शन दिया था प्रोसीडिन जहर वाला। और कब दिया था योर ऑनर? तो वो रॉकी के जन्मदिन वाली शाम को जब वो पार्टी में था। और किसने दिया था ये सवाल पैदा होता है, तो उसका भी जवाब है मेरे पास योर ऑनर। वो इंजेक्शन दिया था दीपा पंडित ने, और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ योर ऑनर, क्योंकि दीपा पंडित को इन सारे केमिकल्स के बारे में बहुत जानकारी है, नॉलेज है। आम आदमी को शायद पता हो ना हो, लेकिन दीपा पंडित को पता है। इट इज हर एरिया ऑफ रिसर्च योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जायसवाल साहब इस केस को गुमराह कर रहे हैं। तो आप राह पर ले आइए ना सर। ये आप आग्रह कर रहे हैं तो ऐसा कर ही देता हूं योर ऑनर। वास्तव में रॉकी की मृत्यु उस विष भरे इंजेक्शन के कारण हुई नहीं। पाठक साहब, या तो फिर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, या तो फिर आपकी नजर नहीं, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें साफ लिखा है कि रॉकी के शरीर में प्रोसीडिन नाम का जहर पाया गया। जसवाल साहब, मेरी स्मरण शक्ति और मेरी दृष्टि दोनों ही तेज है, संभवतः आपकी बुद्धि मंद हो गई है। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अभिषेक भंडारे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर अभिषेक, कृपया बताइए कि रॉकी के पार्थिव शरीर में से आपको कितनी मात्रा में प्रोसीडिन जहर मिला? करीब 0.02 मिलीग्राम, अर्थात 0.02। और बताइए डॉक्टर अभिषेक कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या करनी हो प्रोसीडिन जहर द्वारा, तो किस मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? लगभग 2 मिलीग्राम या उससे भी ज्यादा। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि किसी मनुष्य की मृत्यु के लिए प्रोसीडिन जहर जिस मात्रा में आवश्यक होती है, केवल उसका 0.01% रॉकी के मृत शरीर में पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रोसीडिन के कारण रॉकी की मृत्यु नहीं हुई। लगता है आपकी बुद्धि वास्तव में मंद हो गई है जसवाल साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको व्यंग लग रही है। व्यंग लग, अच्छा जोक लग रही है। ओके, अभी साबित कर देता हूँ योर ऑनर। और उसके लिए मैं रॉकी के जो डॉक्टर हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, सुदर्शन मलिक, उनको कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। डॉक्टर साहब, आप रॉकी का इलाज कब से कर रहे थे? काफी समय से। अच्छा, ये जो प्रोसीडिन है, जो 0.02 मात्रा में जो अगर प्रोसीडिन है, उससे किसी की जान जा सकती? ये बात सही है कि 0.02 mg प्रोसीडिन से कोई नहीं मर सकता, लेकिन ये बात रॉकी के लिए लागू नहीं होती। देखिए, मैंने टॉक्सिकोलॉजी में डीप रिसर्च की है। जिस तरह अलग अलग तरह के पॉइजन होते हैं, ठीक उसी तरह से अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं, और हर बॉडी टाइप्स पर पॉइजन का अलग असर होता है। कोई 0.02 mg प्रोसीडिन से मर सकता है, और कोई 4 mg से भी नहीं मरता। करेक्ट। हमारी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब रॉकी के बारे में हमारी थोड़ी नॉलेज बढ़ा देंगे, क्या रॉकी की मौत 0.02 mg प्रोसीडिन से हो सकती थी? जी हाँ, कुछ समय पहले रॉकी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद एक कई सर्जरीज मैंने उसकी की थी। तब मुझे पता चला कि रॉकी इंटरनली बहुत वीक था, बहुत ज्यादा, इसलिए 0.02 mg से उसकी मृत्यु हो सकती थी, और यही कारण है उसकी मृत्यु का। जब रॉकी को मेरे पास लाया गया, तब उसके शरीर में पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा था। एक एक करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे, पॉइजन उसके बोन मैरो तक पहुंच रहा था। उसी वक्त मैंने उसके बोन मैरो को निकालना शुरू किया। नहीं, थैंक यू। सुन लिया? हाँ सुना। अब डॉक्टर साहब से एक प्रश्न करूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी जसवाल साहब? डॉक्टर साहब, सुना है कि विश्व भर में मेडिकल प्रैक्टिस में आजकल जितनी करप्शन है, उतनी संभवतः राजनीति में भी नहीं, क्या ये बात सही है? छोड़िए, किसी और समय इस विषय पर तर्क वितर्क होगा। अब जसवाल साहब, आप ये कहेंगे कि वो विष भरा इंजेक्शन दीपा ने ही लगाया था रॉकी को, और अगर मैं पूछूं कि दीपा की तो शादी होने वाली थी रॉकी से, तो फिर वो उनकी हत्या क्यों करेगी? शक। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी दुनिया में कर नहीं सकता है पाठक साहब। और ये शक नाम का कीड़ा था, वो उसके दीपा के दिमाग में घुस गया था, सड़ गया था उसका दिमाग। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, साबित करने के लिए मैं मंजरी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ योर ऑनर। मंजरी जी, आप क्या काम करती हैं? मॉडलिंग। आप मुंबई कब आई?
जी, पिछले 2-3 महीने पहले। और रॉकी को क्यों मिली थी? रॉकी फैशन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर थे, इसलिए मैं उनके साथ काम भी करना चाहती थी। इस सिलसिले में मैं उनसे मिली भी, उन्होंने मुझे काम दिया और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। आपकी दोस्ती से किसी को प्रॉब्लम थी? जी हाँ, इसको थी। इसको मतलब दीपक? जी, इसे लगता था रॉकी और मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। तो रॉकी ने आपकी जो दोनों की फ्रेंडशिप थी उस बारे में दीपा को जाके बताया नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की? उसने हजार बार इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसको तो लगता था कि हर दूसरी लड़की के साथ रॉकी का अफेयर है। रॉकी मेरा दोस्त था, भला मैं उसकी जिंदगी में जहर कैसे घोल सकती थी। एक बार रॉकी ने मुझसे कहा था कि मैं दीपा से मिलकर उसकी सारी गलत फहमियों को दूर कर दूं, इसलिए मैं इससे मिलने भी गई थी। कब मिलने गई थी आप? कौन सा दिन था? रॉकी के बर्थडे से एक दिन पहले। दो कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आके मुझे समझाएगी? देखो दीपा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी गलत फहमियों को दूर करने आई हूँ। ओह, गलत फहमियाँ, मतलब कि मेरी ही कोई गलती थी? रॉकी और मेरा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, दैट्स इट। और अगर तुम्हारे और रॉकी के बीच में दिक्कत है तो तुम जाके उसे सॉर्ट आउट करो ना। और जहाँ तक मैं रॉकी को जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। आई एम श्योर तुम में ही कुछ कमी होगी जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता है। मुझ में कुछ कमी है? अब मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा। मैं समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। मॉडलिंग करने आई ना तो यहाँ पे मैं मॉडलिंग करवाती हूँ तुझे। क्या बोल रहे तुम? मॉडलिंग क्या, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी तू। तुम रुक यहाँ पे। उस मुलाकात को याद करने से ही मुझे डर लगता है। ये औरत झूठ बोल रही है। तो आप सच बता दीजिए। ये लड़की रॉकी को मुझसे छीनना चाहती थी। 2 महीने पहले तक, जब तक ये हमारी जिंदगी में नहीं थी, सुकून की जिंदगी जी रहे थे हम। पर जब से ये आई, आग लगा के रखी है इसने। रॉकी मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। आप पजेसिव हो गई, आपको गुस्सा आया और आपने इंजेक्शन में प्रोसीडिन भर के उसे इंजेक्शन मार डाला और उसको खत्म कर दिया। मैंने उसे कोई इंजेक्शन नहीं दिया। नहीं, आप ही ने इंजेक्शन दिया था ना, वो प्रोसीडिन वाला इंजेक्शन। मैंने कहा ना, मैंने उसे इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप ही ने इंजेक्शन दिया था। ये जब सोचा नहीं थी, आप इसमें भी गुस्सा हुई थी। आपको गुस्सा आता है और आप कुछ भी करती है। इसी गुस्से में आपने मार डाला। मैंने कहा मैंने इंजेक्शन नहीं दिया। और आपने इंजेक्शन दिया, आप ही ने मारा है। आप शांत रहिए, नियंत्रण रखिए अपने आप पर, नहीं तो केस खराब हो जाएगा। इसकी बातों में बताइए। गुस्सा खराब होता है? गुस्सा क्या है ना बाटक साहब, के जो गुस्सा करता है उसका तो दिमाग और सेहत खत्म हो जाती है, लेकिन जिस पे गुस्सा किया जाता है उसकी तो बेचारे की जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ योर ऑनर, मेरे पास है प्रूफ है। ये दीपा के साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट है योर ऑनर, मैं सबमिट कर रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट, इसका मतलब दीपा को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। यस योर ऑनर, मेंटल प्रॉब्लम थी। उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है गुस्से में, और इनका इलाज भी चल रहा है। जसवाल साहब जी, और जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। अगली बार जब मेरे मुवक्किल के साथ बात करें तो सोच समझ कर करें। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब मुद्दे से हट रहे। अगर ये कह रहे हैं कि दीपा ने रॉकी को वो विष भरा इंजेक्शन दिया था तो प्रमाणित करें। ये देते हैं, इतने सीनियर हैं, आपकी बात माननी पड़ेगी। और ऑनर, प्रमाणित करने के लिए मैं दास को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, ये दास जी हैं रॉकी जी के बहुत पुराने नौकर और इस केस में मेरे चश्मदीद गवाह भी हैं। इन्होंने ही उस रात जब पार्टी हुई थी, उस रात दीपा को रॉकी को इंजेक्शन देते हुए देखा था, यही बात उन्होंने पुलिस को बताई थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आपने जो पुलिस को बताई बात, वो जज साहब को भी बताइए प्लीज। इसके जैसी गुस्से वाली औरत हमने आज तक नहीं देखी जज साहब। एक बार तो इसने सिर्फ इस बात पर मेरी पिटाई कर दी कि उसको शक था कि मैंने उसकी सोने की घड़ी चुराई है। खैर दास जी, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने उस
रात को, पार्टी वाली रात को दीपा जी को ही देखा था रॉकी जी को इंजेक्शन लगाते हुए। जी, देखा था। शांत हो जी। योर ऑनर, दीपा ने ही रॉकी को इंजेक्शन दिया जहर वाला और उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद वहां से सारे सबूत ही मिटा दिए। वहां से ना ही कोई सिरिंज मिली है, ना ही कुछ और। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ ना योर ऑनर, सोची समझी साजिश। पटक साहब, योर विटनेस। दास साहब, कितनी आयु है आपकी? 60 साल सर। 60 साल की आयु है आपकी, और ये कितने वर्षों से आप चश्मे पहन रहे हैं? 35 साल। 35 साल से आपकी दृष्टि कमजोर है जी। आपने उस दिन दीपा को देखा था, रॉकी को इंजेक्शन देखा था आपने? जी देखा था। क्या हुआ था जरा विस्तार में बताएंगे? मैं पार्टी में मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। ओ दास साहब, जिस कमरे में आपने रॉकी और दीपा को देखा था, आप ही के कथन के अनुसार उस कमरे में आकाश बहुत ही कम था, तो आपकी आयु इतनी हो गई है क्षमा करना, 35 साल से आप चश्मे पहन रहे हैं, आपकी दृष्टि कमजोर है, इतने कम प्रकाश में आपने पहचान लिया दीपा को? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उस रात पार्टी थी, पार्टी वाले कमरे में लाइट थी और पूरे घर में लाइट थी, और इतनी लाइट थी कि दास जी देख सकते हैं। जोर से चिल्लाने से, चिल्लाने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जायसवाल साहब, आपके अपने गवाह ने ये कथन दिया है अदालत में कि रोशनी कम थी, प्रकाश कम था। मिस्टर केडी, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैं कहना नहीं, कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा योर ऑनर, आपकी अनुमति? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है योर ऑनर, ये अदालत है, कोई बताओ इनको, ये लैबोरेटरी थोड़ी है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें। अदालत सत्य को परखने की प्रयोगशाला होती है, संभवतः आपको किसी ने बताई नहीं ये बात। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। आज्ञा है। धन्यवाद। प्रकाश थोड़ा सा कम कीजिए। दास साहब, क्या आप कहेंगे कि कुछ ऐसी ही रोशनी थी उस शाम उस कक्ष में? नहीं, इससे भी कम प्रकाश। इससे भी कम प्रकाश था उस कक्ष में। चलिए इसी प्रकाश में बताइए कि वहां जो मेरी सहायक बैठी है उनके हाथों में क्या है? कुछ तो पहना है शायद। कुछ तो पहना है, हाँ कुछ तो पहना है, लेकिन क्या पहना है ये बता सकते हैं? ब्रेसलेट जैसा लगता है। ब्रेसलेट जैसा लगता है, लेकिन है वो घड़ी। आपने कहा था दास साहब कि इससे भी कम प्रकाश था उस कक्ष में जी, उस शाम जी। जब आपने दीपा को देखा था जी। थोड़ा प्रकाश और कम करिए। क्या कहेंगे, लगभग इतना जी। अब बताइए कि मेरी सहायक के हाथों में क्या है? कुछ भी तो नहीं है सर। कुछ भी नहीं है जी। लाइट्स ऑन प्लीज। अब देखिए क्या है। पानी भरा ग्लास है। पानी भरा ग्लास है। धन्यवाद योर ऑनर। वास्तव में दास साहब को रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस। प्रकाश कम होने पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब रहा प्रश्न जायसवाल साहब कि इन्होंने दीपा के विरुद्ध झूठ क्यों बोला, उसका उत्तर ये है दास साहब कि दीपा ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण आप दिल मिला गए और आपने दीपा से प्रतिशोध लेने की ठान ली, और उस दिन जब आपको मौका मिला तो आपने झूठ कहा कि आपने दीपा को देखा,
रॉकी को इंजेक्शन देते हुए। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मैंने झूठ बोला था। जब से ये रॉकी बाबा के जीवन में आई थी जज साहब, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। उसने कई बार रॉकी को बोला कि वो मुझे नौकरी से निकाल दे। इतने सालों की वफादारी का ये सिला दे रही थी ये डायल। अर्थात इन्होंने आपको नौकरी से निकालने का प्रयास किया तो आपने इन्हें संसार से निकालने की योजना बना ली। योर ऑनर, दास साहब ने मेरे मुवक्किल के विरुद्ध अदालत में झूठा खतन दिया है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इनकी आयु का आदर करते हुए इन्हें इस बात का दंड दिया जाए। ये निर्दोष नहीं डायन है। मैं रॉकी बाबा की सौगंध खा के कहता हूं जज साहब, किसी ने रॉकी बाबा को मारा है। मैं अंधा नहीं हूं। मैंने देखा था इसे इंजेक्शन देते हुए। देखिए दास साहब, अदालत में ये प्रमाणित हो चुका है कि आप प्रकाश की कमी में कुछ नहीं देख पाते। छोड़ दीजिए अब इस बात को। योर ऑनर, ये केस उतना ही विचित्र है जितनी की वो परिस्थितियां जिसमें रॉकी की हत्या हुई, उसकी मृत्यु हुई। जसवाल साहब, आपके हाय और वाय के बीच तो बहुत लंबा अंतर है, 10 मिनट से कहीं ज्यादा। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे के कथन के अनुसार मरने से पहले रॉकी ने उनसे बोला था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पीछा करने वाले से उनको जान का खतरा है, वो भयभीत थे उससे। जसवाल साहब, आपने पता लगाने का प्रयास? कोशिश जारी है योर ऑनर, ढूंढ रहे हैं हम, बहुत जल्द मिल जाए। चलिए, जब पता लगेगा तब पता लगेगा। किंतु अब तक आप ये प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि मेरी मुवक्किल दीपा ने ही रॉकी को वो इंजेक्शन दिया था। करता हूँ ना, अब भी साबित कर दूँ योर ऑनर। मैं रॉकी जी के सेक्रेटरी सिद्धार्थ जी को यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ जी, आप रॉकी जी के सेक्रेटरी थे जी? तो वो जो इंजेक्शंस और दवाइयाँ थी वो भी आप ही संभालते थे जी? तो क्या वो इंजेक्शन उस रात जिस रात रॉकी जी की मृत्यु हुई आपने इंजेक्शन दिया था? नहीं, मैं तो बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट में बिजी था। बिजी थे तो क्या लगता है आपको किसने दिया होगा वो इंजेक्शन? और कोई है जो दे सकता है इंजेक्शन? हाँ, लेकिन उसका तो दीपा को भी पता था। जब मैं नहीं होता था तो दीपा भी रॉकी को इंजेक्शन देती थी। दीपा ने भी इंजेक्शन दिया। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? जसवाल साहब, बस ये 2 पंक्तियों में आपने प्रमाणित कर दिया कि दीपा ने ही वो इंजेक्शन लगाया था, जबकि आपने स्वयं कहा कि दीपा भी इंजेक्शन दिया करती थी। ये भी तो इंजेक्शन दिया करते थे, तो संभावना है कि ये झूठ बोल रहे हो। अब बैठिए, क्यों तकलीफ देते हैं, जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो आपने इंजेक्शन नहीं दिया रॉकी को, आपके अनुसार दीपा ने इंजेक्शन दिया है। देखा आपने दीपा को इंजेक्शन दिया? नहीं, देखा नहीं। यानी कि आप विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि दीपा ने ही इंजेक्शन दिया? जी हाँ, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ दीपा ही थी जो रॉकी को इंजेक्शन देती थी। अनुमान है आपका? जी हाँ, अनुमान है, अनुमान है, अनुमान है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील केवल इस अनुमान पर आधारित है कि मेरी मुवक्किल दीपा ने उस रात रॉकी को इंजेक्शन लगाई, किंतु इस बात को प्रमाणित करने के लिए इनके पास कोई साक्षी नहीं है। कोई साक्ष्य नहीं? साक्ष्य है, इनकी मुवक्किल जो है वो हैवी मेटल और केमिकल पॉइजन वगैरह में रिसर्च कर रही है, और रॉकी के शरीर में से खून में से जो प्रोसिडीन नाम का जहर मिला है वो भूषण जी जो इनके पिताजी उनकी फैक्ट्री में बनता है। आप तो आपको जानते ही होंगे पाठक साहब। योर ऑनर, ये जो प्रोसीडिंग है वो बहुत ही रेयर पॉइजन है, और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि दीपा जी गई होगी अपने पिताजी की फैक्ट्री में और वो पॉइजन चुरा लिया होगा, इंजेक्शन में डाला होगा और रॉकी को। प्रोसीडिंग जो है ये, क्या आपको लगता है कि पेड़ पर लगे हुए आम जैसा है कि जो चाहे जब चाहे वो तोड़ के ले जाए?
ऐसा नहीं है योर ऑनर, माना कि प्रोसीडिंग केवल भूषण जी की फैक्ट्री में बनता है, किंतु उनकी फैक्ट्री में बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। इनफैक्ट सुरक्षा के 6 घेरे में है उनकी फैक्ट्री। इतना ही नहीं योर ऑनर, किसी व्यक्ति का टटोल कर तलाशी दिए बिना उस फैक्ट्री से निकलना असंभव है, फिर चाहे वो फैक्ट्री का मालिक भूषण जी या फिर उनकी बेटी दीपा क्यों ना हो। जयसवाल साहब, एक और बात, आपने कहा कि दीपा ने फैक्ट्री से प्रोसीडिंग चुराया होगा। मैं जानता था कि आप ऐसा कुछ कहेंगे, इसलिए पिछले 6 माह की उस फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट मैंने बनाकर जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसका यह कहना है कि पिछले 6 माह से दीपा उस फैक्ट्री में गई ही नहीं। तो अगर वो फैक्ट्री में गई ही नहीं जयसवाल साहब, तो वहां से प्रोसीडिंग कैसे चुरा सकती है? जरूरी नहीं है प्रोसीडिंग के बाहर आने के, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके से बाहर आया है, लेकिन नहीं, आपको नहीं लगता कि ये संभावना भी है कि भूषण जी ने प्रोसीडिंग किसी व्यापारी को बेचा हो और उस व्यापारी से हत्यारे ने खरीदा हो, चुराया हो? ये भी तो हो सकता है। बस अब ये प्रोसीडिंग कोई आम तो है नहीं, इसे पेड़ से तोड़ कर किसी व्यापारी को बेचा जाए। हाँ, ओरिजिनल जैसा। क्या है ना, ये प्रोसीडिंग है ना एकदम रेयर केमिकल है, जैसे मैंने कहा, और वो दवाई जो है ना वो बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। नहीं जसवाल साहब, आपने विज्ञान नहीं किया ना, इसलिए आपको ज्ञान नहीं कि अगर किसी रसायन को प्रयोगशाला में दूसरे रसायन के साथ मिलाया जा सकता है तो उसे उस रसायन से अलग भी किया जा सकता है। अर्थात अगर प्रोसीडिंग को किसी दवा में मिलाया है तो उस दवा से प्रोसीडिंग को अलग भी किया जा सकता है। अच्छा चलो, ओके ओके ओके, और एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है, कि ये भूषण पंडित जी जो हैं वो उस रात पार्टी में क्यों गए थे? अभी पार्टी में अपनी बेटी से वार्तालाप करने गए होंगे, या उन्हें रॉकी ने बुलाया होगा शादी की बात करने के लिए। कारण तो अनेक हो सकते हैं। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रोसीडिंग आया कहां से? आपने कहा कि दीपा लाए, क्या आप इस बात को इस समय अदालत में प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि इसी समय मैं साबित करूं। मैं टाइम भी मांग सकता हूं, मांग सकता हूं। तो मांगता हूं ना योर ऑनर, टाइम दीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, प्लीज मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए योर ऑनर। मैं वो प्रोसीडिंग ला के दिखाऊंगा और साबित करके दिखाऊंगा योर ऑनर कि दीपा ने ही प्रोसीडिंग चुराया था और दीपा ने ही खून किया है रॉकी का प्रोसीडिंग के द्वारा। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं रॉकी के बैंक स्टेटमेंट्स, फोन रिकॉर्ड्स, बिल्स वगैरह सब कुछ ले आई हूँ, इस फाइल में है। देखा तुमने? जी सर। कुछ मिला? सर अब तक बस बस, अब सॉरी खबर लाए, एकदम खराब चेक। आप क्यों रहे तो? हाँ बस, आपने अपन को बोला था ना, एकदम करेक्ट बोला था आपने। बोला था ना कि अंदर फैक्ट्री के जाना बहुत मुश्किल है। बॉस बहुत मुश्किल है बॉस, अपन जा ही नहीं पाया, घुस ही नहीं पाया फैक्ट्री में। हाँ बॉस, मतलब तुम चोरी करने गए थे? ए चोरियों की तू ज्यादा बोलने का नहीं अपन से, अपन बहुत रिस्पेक्टेड आदमी, देखा अपन बहुत बोलो ना इसे। आप बहुत वो सब छोड़ो, अपन क्या बता रहे हैं कि आपने बोला था एकदम करेक्ट बोला था बॉस। लेकिन अपन कौन है? अपन आपका असिस्टेंट, बोले तो केडी बॉस का असिस्टेंट। तो बॉस अपन खुद नहीं जा पाया, लेकिन अपन ने अपना स्पाई कैम भेजने का कोशिश किया। टाइट है, बॉस। वो जो व्यक्ति पीछा कर रहा था रॉकी का, उसका कुछ पता चला? बॉस अपने ट्राई किया ना, तुम करेगा ना बॉस?
लेकिन बस उसका भी पता नहीं चला। वो क्या है ना, वो रॉकी का जो इसने पीछे किया ना, वो अपुन के लाइन का, सॉरी बोले तो वो भाई लोग का पंटर नहीं था बॉस, कोई और ही था। वैसे भी मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति ने रॉकी को मारा होगा। अगर वो उसे मारना चाहता तो बाहर कहीं मारता, उसके घर में उसके उसे क्यों मारता। दूसरा प्रश्न ये है कि हत्यारा अगर रॉकी की जान लेना चाहता था तो प्रोसीडिंग की इतनी कम मात्रा क्यों दी उसे? बिल्कुल सर, 0.02 mg की जगह 2 mg देता तो बचने की गुंजाइश ही नहीं होती। पापा सब कुछ खत्म हो गया। दीपा, चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, तुम फिक्र मत करो, केडी तुम्हें बाहर निकाल ही लेगा। बाहर निकल के भी क्या होगा पापा, मेरा प्यार, मेरी रिस्पेक्ट, सब कुछ चला गया, अब बहुत हो गया। आप प्लीज सबको सच सच बता दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? आगे से ऐसा बोलने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन पापा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, समझी तुम? योर ऑनर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी हार भी मान लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रोसीडिन जो पॉइजन है वो फैक्ट्री से, भूषण जी की फैक्ट्री से बाहर निकालना मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी नामुमकिन है। वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आई एम वेरी सॉरी केडी जी कि मैंने ऐसे चैलेंज किया था। चलिए जायसवाल साहब, अपने जीवन में कुछ तो माना आपने। ये भी मानते हैं आप कि मेरी मुवक्किल दीपा ने अपने पिताजी भूषण जी के फैक्ट्री से वो विष नहीं छुड़ाया, मानते हैं आप? मानता हूँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सॉरी केडी सर। मैं मानता हूँ कि उसने, दीपा जी ने प्रोसीडिंग चुराया नहीं था, लेकिन किसी ने वो प्रोसीडिंग जहर उनको दिया था। किसी ने उन्हें प्रोसीडिंग जहर दिया था? नहीं, मुझे समझाइए जायसवाल साहब कि जिस वस्तु को कारखाने से निकालना असंभव हो, उस वस्तु को कैसे किसी ने दिया था और किसने दिया था? असंभव था मेन डोर से निकालना। अच्छा, इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री से नहीं। योर ऑनर, जब मैं भूषण जी की फैक्ट्री में गया था, परमिशन लेकर गया था, तब मुझे पता चला कि भूषण जी की जो ऑफिस है, कैबिन है, उसमें एक इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री का दरवाजा भी है और वहाँ पे जांच नहीं होती है, सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है। और मैंने और डिटेल में मैंने वहाँ पे पूछताछ की तो मुझे ये भी पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही भूषण जी वहां से बड़ी मात्रा में प्रोसीडिन विष वहां से बाहर लेकर आए थे। भूषण जी आप मुंह लटकाए खड़े हैं, कैसे चलेगा? ए चलो मुझे ना सही, अपने जो वकील है पाठक साहब उनको तो सच बता दीजिए। जी हाँ, मैं ही फैक्ट्री की लैब से वो प्रोसीडिंग लेकर आया था। ऑर्डर ऑर्डर। और आप ही ने वो जहर आपकी बेटी दीपा को दिया था? जी हाँ। पाठक साहब हद हो गई, आपके क्लाइंट की जो बात मुझे पता है आपको कैसे नहीं पता? बताया नहीं आपने, बताया नहीं। मेरी बेटी इनोसेंट है, उसने किसी को नहीं मारा। लिटिल करेक्शन, उसने अकेले किसी को नहीं मारा, उसने और आपने मिलकर रॉकी को मारा है।
आपने वो प्रोसीडिंग जहर दीपा को दिया, फिर आप पार्टी में गए ये पता करने के लिए कि वो आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। लेकिन जब पता चला कि पासा पलट चुका है तो आप डर गए और सीधे दौड़े केडी पाठक के पास, उनको गुमराह किया। ये सब झूठ है। ये भी झूठ है कि रॉकी और दीपा की शादी हो रही थी, उस बात से आप नाराज थे, आपको पसंद नहीं था। ये सच है योर ऑनर, और मैं साबित कर दूंगा। ये रहा वो फिल्म मैगजीन योर ऑनर, इसमें सब लिखा है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि इनको नफरत थी रॉकी से, बाप बेटी ने दोनों ने मिलकर खून किया है योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने, आईएम जसवाल ने ये प्रूफ कर दिया है, सबूत भी दिया है, गवाह भी दिए हैं, और बस आपका फैसला बाकी है सर। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी नहीं योर ऑनर। ये अदालत लंच के बाद अपना फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न। सुने ना सुन, मैं भी बाहर रुकता हूं। थैंक यू दवे। केडी वर्षों की मित्रता पे विश्वास करके मैंने तेरा केस लिया था भूषण। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, आज तूने मेरे विश्वास के साथ साथ मेरे मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। वर्षों लगते हैं किसी को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में, और मेरी वर्षों की बनाई प्रतिष्ठा को तूने अपने झूठ से, अपने इस विश्वासघात से एक ही क्षण में चकनाचूर कर दिया। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है। विश्वासघात किया है तूने, झूठ बोला है तूने। आज अदालत में तूने कथन दिया कि तूने अपने कार्यालय से वो प्रेसिडेंट चुराया था। पापा ने चुराया नहीं था, उन्होंने फैक्ट्री से लिया था, और वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने रिसर्च के लिए प्रेसिडेंट चाहिए था। किसी वस्तु को अवैध रूप से अपने स्थान से निकालना चोरी होती है। जा यार भूषण, तू जा यहां से भी। केडी मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, सुनने को कुछ नहीं बचा भूषण, तू जाना प्लीज। केडी तेरा गुस्सा जायज है और मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार मेरी बात तो सुन ले। बोल। मैंने अदालत में जो माना वो माना, तुझसे वो बात छुपाई, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.